तो हेलो गाइस, माय नेम इज जय किशन एंड यू वाचिंग जेके टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में अपने iQOO 9SE 5G में एक नया अपडेट आ चुका है और ये जो अपडेट है आज ही रिसीव हुआ है, ठीक है। और भाई मेरे को ये अपडेट के बारे में पता कैसे चला, भाई एक सब्सक्राइबर्स ने मेरे को हेल्प किया। इनका मैं नाम लेना चाहता हूँ इस वीडियो में, भाई इनका नाम है कृष्णा गर्ग, ऐसा कुछ नाम है आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। और इन्होंने मेरे को बताया कि भाई अपडेट आया है iQOO 9SE 5G में, आप चेकआउट करो। तो मैंने चेकआउट किया तो फाइनली मेरे को ये अपडेट दिख चुका है, ठीक है। तो चलिए फटाफट से इस अपडेट को डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, इसमें क्या चीजें अपडेट आया है, क्या चीजें बदला है, क्या चीज नहीं बदला है, सारे चीजें आपको बताऊंगा। अगर आपके पास भी iQOO 9SE 5G है तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अपडेट से रिलेटेड वीडियो मैं हमेशा डालता हूं इस चैनल पे, ठीक है। तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना फटाफट से। चलिए फटाफट से मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा अपडेट आया है, कितना MB का है, इससे क्या क्या बदलाव होगा। तो चलिए फटाफट से अपडेट करते हैं अब। तो गाइस ये रहा अपना मोबाइल, आप देख सकते हो iQOO 9SE 5G है, यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो। तो मैं चलो फटाफट से सेटिंग में जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर अपडेट आया कि नहीं। तो ये रहा सेटिंग, ओपन किया मैंने और गाइस यहाँ पर नीचे गया मैं, यहाँ पर देख सकते हो सिस्टम अपडेट पे क्लिक किया, यहाँ पे आपको अपडेट नॉर्मली नहीं दिखेगा। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सेटिंग में जाता हूँ, उस पर यहाँ पर ट्रायल वर्जन पे क्लिक करता हूँ और देखो यहाँ पर अपडेट नाउ पे क्लिक करता हूँ और देन गाइस देखो यहाँ पे 428 MB का ये अपडेट आ चुका है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो न्यू वर्जन फाउंड PD2154CF और यहाँ पर मॉडल आप देख सकते हो ये वाला मॉडल है। तो अगर आपके पास भी iQOO 9SE है तो फटाफट से जाओ ये अपडेट डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो। और मैं आपको बताया था उसमें क्या क्या मुझे चेंजेस मिला है। तो यहाँ पर देख सकते हो सिस्टम अपडेट टू द December 2022, यानी कि दिसंबर का सिक्योरिटी पैच। ओ माय गॉड, सोच सकते हो भाई, देखो यार दिसंबर चल रहा है, 13 तारीख है, मतलब 14 तारीख को ये वीडियो अपलोड होगा वैसे, लेकिन आज सोचो 13 तारीख है और दिसंबर चल रहा है महीना और दिसंबर का अपडेट। ओ माय गॉड, मतलब मैंने आज तक अभी जितना भी मोबाइल चलाया हूँ Xiaomi वगैरह या फिर किसी भी ब्रांड का, इतना मतलब अपडेटेड मोबाइल नहीं देखा हूँ भाई, पहली बार ऐसा अपडेटेड मोबाइल मैं देख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन वॉलपेपर, यानी कि इसमें भी कुछ प्रॉब्लम आ रहा था जो कि फिक्स किया गया, ठीक है। यहाँ पर साउंड एंड वाइब्रेशन, यानी कि साउंड का आवाज जो क्वालिटी है उसमें थोड़ा सा और इंप्रूवमेंट हो जाएगा, सोचो। और मतलब इसमें ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं था, ये सारे प्रॉब्लम मेरे को देखने को नहीं मिल रहा था, फिर भी सोचो उस कंपनी ने कितना अच्छा काम किया, मतलब अपडेट दे रहा है, कितना सही चीज है यार। मतलब Xiaomi को और भी कंपनी को सारी चीज सीखना चाहिए इसको देख करके भाई, लेकिन क्या बताएं अब आपको पता ही आगे। तो यहाँ पर देख सकते हो सिस्टम साउंड वाइब्रेशन में भी मतलब इसमें काफी चीजें चेंजेस हुआ है, यहाँ पर वाइब्रेशन फीडबैक, फिंगरप्रिंट रिकोगनाइजेशन फेलचर, यानी कि हाँ बहुत बार मतलब फिंगरप्रिंट रिकोगनाइज फेल हो जा रहा था, उसका सॉल्यूशन यहाँ पे किया गया है। एल्बम में देख सकते हो फिक्स द ओकेशनल इशू वेयर द कैन नॉट ऐड टेक्स्ट टू एडिटिंग वीडियोस एल्बम, यानी कि वीडियो एडिटिंग करते वक्त यहाँ पर टेक्स्ट नहीं डाल सकते थे वो अभी डाल पाओगे। इस कैप्चर में भी काफी फिक्स किया गया। यहाँ पर ग्लोबल सर्च, यानी कि आप देख सकते हो फिक्स द ओकेशनल इशू वेयर द ग्लोबल सर्च इंटरफेस इज नॉट डिस्प्ले प्रॉपरली, यानी कि प्रॉपरली डिस्प्ले में शो नहीं हो रहा था, बट इसको भी सॉल्व करने की कोशिश किया गया है। तो चलिए फटाफट से इस अपडेट को मैं डाउनलोड करता हूँ और इंस्टॉल करता हूँ। तो यहाँ पर डाउनलोड जो है मेरा स्टार्ट हो चुका है और गाइस यहाँ पर मेरा वाईफाई से मोबाइल जो है कनेक्टेड है, तो फटाफट से डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हो 5%, जैसे ही 90% डाउनलोड हो जाता है तो मैं फटाफट से आपसे मिलता हूँ। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा जो डाउनलोड है वो लगभग कंप्लीट होने वाला है और गाइस यहाँ पर देखो ऑटोमेटिकली मेरा मोबाइल जो है रीस्टार्ट हो जाएगा। देखो कुछ भी मैंने किया, मैं छू भी नहीं रहा हूँ मोबाइल को, ये मतलब चीज थोड़ा सा मेरे को बेकार लगता है, ये थोड़ा सा अच्छा रहता, यहाँ पे ऑप्शन आता और मतलब मैनुअली ऑप्शन आता है रिबूट नाउ क्लिक करने का, तो काफी अच्छा रहता है, बट ठीक है अभी भी ठीक है, काफी अच्छा रहता है कि ऑटोमेटिकली बूट हो जाता है, आपको कोई कुछ भी करना नहीं पड़ता है, सिंपली आपका मोबाइल जो है बूट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है, मतलब बेसिकली आप डाउनलोड में लगा दिए ऑटोमेटिकली आपका मोबाइल बूट हो गया, रिस्टार्ट हो गया, बेसिकली चालू हो गया। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा मोबाइल जो है यहाँ पर अपडेटिंग हो रहा है और चलिए फटाफट से अपडेट होने देते हैं। और अपडेट हो जाने के बाद इसमें काफी चीजें इंप्रूवमेंट हुआ है, ठीक है। तो मैं यही बोलूंगा कि सजेशन दूंगा आपको कि अगर आपके पास भी iQOO 9SE 5G है तो मैं वापस से बोल रहा हूँ कि आप लोग जाओ इस अपडेट को डाउनलोड कर लो, इंस्टॉल कर लो, ये जो अपडेट है इससे मोबाइल खराब नहीं होगा यार, अच्छा ही होगा। कोई भी अपडेट कंपनी देता था कि वो मतलब बेसिकली सच बताऊं तो, और मैं वीवो वगैरह का बात कर रहा हूँ, Xiaomi वगैरह का नहीं बात कर रहा हूँ, Xiaomi जो है मतलब थोड़ा सा मोबाइल को खराब भी कर देता है कभी कभी अपडेट देकर, बट ये वीवो मैं आज तक देखा हूँ तो खराब बहुत ही रेयर चांस में होता है। अब देखो इसमें जो एंड्रॉयड 13 आया था उसमें थोड़ा सा इसमें लैग आ गया था, थोड़ा सा बग आ गया था। तो देखो भाई कंपनी ने सोचो मतलब महीने में हर एक महीने में अपडेट दे रहा है भाई, सॉल्व करने की सही करने की कोशिश कर रहा है, तो आप सोच सकते हो वीवो काफी अच्छा काम कर रहा है और इसी को देख करके सारे कंपनी को ये चीजें करनी चाहिए मेरे हिसाब से। आपको क्या लगता है आप लोग मुझे कमेंट में जरूर से बताओ, आप लोग बताते नहीं हो तो फटाफट से कमेंट मुझे बताओ, तब तक मेरा मोबाइल जो है फटाफट से रिस्टार्ट हो जाता है। तो गाइस फाइनली मेरा जो मोबाइल है वो बूट हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हो अपडेटेड हो चुका है।
चलो मैं आपको सेटिंग में जाकर के दिखाता हूँ, कोई और भी अपडेट तो नहीं आया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कोई भी अपडेट नहीं है। यहाँ पर मैं ट्रायल वर्जन में जाकर दिखा रहा हूँ, आपको देख सकते हो यहाँ पर कोई भी अपडेट नहीं है। और गाइस मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा टच रिस्पॉन्स में थोड़ा सा मेरे को फर्क पड़ा है, तो थोड़ा सा स्मूथ हो गया मोबाइल। और उसमें लिखा भी था आपका टच जो है रिस्पॉन्स काफी अच्छा हो जाने वाला है, यहाँ पर गेस्चर जो है काफी सही हो जाने वाला है, यहाँ पर ऐसे करोगे तो आपका प्रॉपर वर्क करेगा। इसके पहले थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा था, कभी कभी मोबाइल ऐसे नीचे रखा हुआ था ना तो ऐसे मतलब टच करने पर गेस्चर वगैरह काम नहीं करता उतने अच्छे से, बट मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा थोड़ा सा फील हो रहा है, अभी से ही फील हो रहा है कि हल्का सा मुझे चेंजेस हो चुका है। ठीक है, आपको क्या लगा? अगर आपने अपडेट कर लिया है तो आपको कैसा लग रहा है, इसमें कुछ चेंजेस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, आप लोग मुझे कमेंट में जरूर से बताओ। यहाँ पर देख सकते हो काफी मतलब ठीक लग रहा है, कोई दिक्कत तो मुझे नहीं लग रहा है अभी तक फिलहाल, यहाँ पर सही है। आप लोग अपडेट कर सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे हिसाब से कर लो, मैं 2-3 बार बोल चुका हूँ कर लो कर लो, फाइनली यही बोलूंगा कि आप लोग अपडेट कर लो। यहाँ पर मैं ये नहीं लगा के रखा हूँ इसलिए नहीं आ रहा है मेरे को, अभी मैं थोड़ी देर पहले ही इसको हटाया हूँ तो मेरे को आदत हो गया ना ऐसे ऐसे करने का, तो इसीलिए वो ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो ये मत सोचना कि टच नहीं काम कर रहा है, ठीक है, टच एकदम प्रॉपर काम कर रहा है, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस फाइनली ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट में बताना, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर नए आ गए हो तो सब्सक्राइब कर लो फटाफट से, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और अगर आपने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जाओ फटाफट से, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, कोई सवाल हो सुझाव हो तो वहां पे मुझे कमेंट में पूछ लेना। मेरा एक फेसबुक पेज भी है तो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप मेरे फेसबुक पेज पे जाइए, पेज को लाइक कीजिए, और कोई भी सवाल हो सुझाव हो तो आप लोग मुझे फेसबुक पे भी मैसेज कर सकते हो, वहां से डायरेक्टली आपको रिप्लाई मिलेगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अपना ख्याल रखना।